हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है, एरिस्टेटर के हवाले से एक न्यू ट्रिक और यूनिक ट्रिक है जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट लिंक के थ्रू यानी कि अर्निंग करना सिखाऊंगा, और एक नई ट्रिक है जिसके थ्रू आप 250 CPM ओरिजिनल ट्रैफिक ला सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अपने लैपटॉप पर बैठ के आप काम कर सकते हैं एडस्टेरा से और फ्री की ट्रैफिक ला के इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की जो ट्रिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आज करनी है इस ट्रिक में जो है वो है ईमेल मार्केटिंग। आपने ईमेल कलेक्ट करनी है। ईमेल कलेक्ट करने के बाद उस ईमेल पे हमने प्रमोशन करनी है डायरेक्ट लिंक की, जिस पे ट्रैफिक आएगी तो उससे आपकी अर्निंग जो होगी वो जनरेट होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। गूगल सबसे पहले आपने एक जीमेल क्रिएट कर लेना है और उसकी इनबॉक्स जो है आपने ओपन करके रखनी है। और उसके बाद करना क्या है, गूगल पे, गूगल पे ये वाला जो कोड है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसको आपने करना क्या है, इसको यूज़ करना है और गूगल पे सर्च पे क्लिक करना है। हमने करना क्या है, बेसिकली हमने डॉक्टर की जो है ईमेल वगैरह कलेक्ट करनी है, यूएसए, यहाँ पे यूएसए मैंने लिखा है, यूएसए के। तो उसके बाद आपने इस सारे को, यहाँ पे कितने पेजेस ओपन होते हैं, यहाँ पे 8-10 पेजेस होते हैं, तो करना क्या है, इसको कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ पे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सारे को आपने करना क्या है, कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने फिर से गूगल पे आ जाना है, एक टूल मैं बताऊँगा, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना लाइट 14 सर्च करना है, और सर्च पे क्लिक करने के बाद इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे है, यहाँ light14.net, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो लाइट 14 है वो इस तरह ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, वही जो कॉपी किया है पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद करना क्या है, हमने यहाँ पे जो कामा लिखा हुआ है इसको हमने कर देना है न्यू लाइन, और उसके बाद कर लेना है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे सारी जो जीमेल होगी वो हो जाएंगी एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जीमेल आ गई, इसको हमने करना है कॉपी, तकरीबन 10 जीमेल है। तो कॉपी करके हमने करना क्या है, नोट पैड में इसको रख लेना है। इसको नोट पैड में आपने पेस्ट कर देना है। ये जो अननेसेसरी हैं इनको आपने करना क्या है, डिलीट कर देना है। ये हमारे पास 6-7 जीमेल आ गए हैं। इसी तरह आपने कलेक्ट करना है, आप जितना कर सकते हैं आपने कलेक्ट करनी है। अभी मैं दोबारा उसी पेज पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड वाला जो पेज है इसको ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे दोबारा मैं क्या कर लूँगा, इसको कंट्रोल ए, फिर इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा टूल पे आ जाऊँगा, टूल पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू लाइन होना चाहिए और यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मेरी जीमेल आ गई है। इसको दोबारा हमने क्या कर लेना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है नोट पैड पे, और नोट पैड पे पेस्ट करके रख देनी। इसी तरह आप 100, 200, 1000 भी अगर कर सकते हैं कलेक्ट तो कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स की है, तो आप यहाँ पे बिजनेस वगैरह वाले की कर सकते हैं। यहाँ पे अभी लिख लेते हैं टीचर की कर लेते हैं, बिजनेसमैन की। अभी यहाँ पे मैं टीचर्स की कर लेता हूँ दोबारा सर्च। आपने करना क्या है, सारे पेजेस ओपन करने हैं। यहाँ पे मैंने 2 पेजेस, आपने 10 पेजेस ओपन कर लेने हैं और सबको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो उसके बाद फिर टीचर्स पे आ जाना है, सर्च पे क्लिक करना है, और फिर क्या करना है, टीचर की ईमेल यहाँ पे कंट्रोल ए, फिर कॉपी, और फिर चले जाना है एक्सट्रैक्टर पे, और इस पर कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास ये आ गए 3-4 आ गए हैं। तो इसको हमने कॉपी, और चले जाना है फिर हमने नोट पैड पे, और यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं .com के आगे जो एक अलहदा डॉट है इसको आपने रिमूव कर लेना है, जिस जिस के आगे है, सो ताकि हम जब जीमेल
सेंड करें, मेल सेंड करें तो एरर ना शो हो। योर जो GOV बस ठीक है। इसी तरह आपने सारे बिल्कुल ओके कर लेने हैं। ओके करने के बाद करना क्या है, आपने सारी जीमेल इकट्ठी करनी है। मैंने डेमो के लिए थोड़ी सी की हैं, तो आपने इसी तरह 100, 200, 1000 तक करनी है, ताकि जितनी ज़्यादा जीमेल होगी उतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग होगी। तो करना क्या है, आपने आ जाना है जीमेल पे, जो कि स्टार्ट में मैंने बताया। एक नया जीमेल आपने अकाउंट कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ताकि उसमें यानी कि आपका कोई अच्छी या कोई अकाउंट ओपन ना हो, बिल्कुल फ्रेश जीमेल या मेल होनी चाहिए। तो करना क्या है, आपने यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने टू जिसको यानी कि भेजनी है, हमने यहाँ पे सारी जीमेल कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हेलो गाइस, यहाँ पे लिखने के बाद मैंने ये लिख दिया है। यहाँ पे लिखने के बाद एक पिक्चर भी हमें करनी है, तो पिक्चर यहाँ पे अटैच करनी है। अटैच करने के लिए हमने आ जाना है गूगल पे। गूगल पे लिख लेना है कुछ भी प्राइस, लकी दा $1000। तो ये इमेज जो है, इसको आपने इस तरह की इमेज को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आके अटैच कर लेना है हमने। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आइकॉन पिक्चर वाले इंसर्ट फोटो पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे जो है आपने क्लिक करना है, और चूज़ फ़ोटो। तो चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाना है, मैंने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड्स में होगा। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, ओपन। तो यहाँ पे पिक्चर अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद हमारी जो है वो एक मेल जो है वो रेडी हो चुकी है। हमारे पास तकरीबन 16-17 मेल्स हैं। तो आपने क्या करना है, कम से कम 500-1000 ऐसे कलेक्ट करना है, और टीचर्स की, बिजनेसमैन की, तो USA या UK वालों की कलेक्ट करनी है, और अपने डेली इस पे पोस्ट करते रहना है। और जितनी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो उसमें आपको ही फ़ायदा होगा। हेलो गाइस, यहाँ पे देख सकते पोस्ट रेडी है, लेकिन हमने करना क्या है, एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक लगाना है, और एक इमेज जो है उसको क्लिक केबल भी एक इमेज को बनाना है। उसके लिए करना क्या, आपने गूगल पे सर्च कर लेना है एनी इमेज। यहाँ पे ये वाला, इसका लिंक मैं दे दूंगा, एनी इमेज डॉट है। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद करना क्या, इस पर आपने यहाँ पे गूगल पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, एनी इमेज पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या है, एक पिक्चर अपलोड करनी है हमने, एक वही तस्वीर जिसको हमने उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड वगैरह उस पर इमेज सेलेक्ट हो गया। इसको यहाँ पे टाइटल देना है, हमने वही टाइटल दे देना है जो ये वाला हमने दिया था एनी इमेज में। तो ये क्लिक के बाद इमेज बन जाएगी, जो कि अच्छा इंप्रेशन है। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये डेस्टिनेशन जो URL है वो आपने देना है एडस्टेरा। तो एडस्टेरा का हमने क्या करना है, डायरेक्ट लिंक को ओपन करके हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इस तरह की जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपने लिख लेना है, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, और इसको थोड़ा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और इस तरह का हमारा एक ऐड जो होगा वो शो हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लेना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड आ जाएगा, जिसको आपने जहाँ चाहे शेयर कर सकते हैं। मैंने कॉपी कर दिया इसको, जाके मैंने अभी पोस्ट में लगाना है। यहाँ पे आके मैंने पोस्ट कर दिया है।
लिंक, और यहाँ पे जैसे भी कोई क्लाइंट्स वगैरह आएंगे आप देख सकते हैं ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हो आपका बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा एडस्टेरा के लिंक पे, और वो ऐड ओपन होगा जो एडस्टेरा के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इसको सेंड पे क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पे सेंड हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू में से, तो यहाँ पे मैं सेंड में देख सकता हूँ। आपको एक क्लिक आ जाएगा, यकीन करें आप इसे 10 से 20 एक क्लिक से ले सकते हैं डॉलर्स वगैरह। तो करना क्या है, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी है, तो आपको अगर पसंद आई है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है।